आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की जर काटे फल होए। ये बीजक की एक साखी है। आगे आगे दौ जरे, दौ का अर्थ होता है जंगल और दौ का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग, दावाग्नि। दौ जंगल, और दौ कह देने से जंगल की आग का भी अर्थ होता है। आगे आगे दौ जरे, जंगल में काष्ठ घास पत्ते ईंधन की पुष्कल मात्रा होती है। किसी कारण से आग लग जाती है, उसको कौन बुझाए। आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर हो, आगे आगे तो जंगल जलता जाता और पीछे हरा होता जाता है। बलिहारी ते वृक्ष की, उस वृक्ष की प्रशंसा है जड़ काटे फल हो, जिसकी जड़ काट देने पर फिर उसमें फल लगते हैं। ये कबीर साहब की उल्टवासी है। उल्टवासी में उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिया है। उल्टवासी सब व्यंग है, अद्भुत रस उत्पन्न करती है उल्टवासी, श्रोता को चौंका देती है, उसमें सुनने की उत्सुकता पैदा करती है। ये उनकी अद्भुत शैली पूरी दुनिया के कवियों में, कबीर साहब जितने उल्टवासी शायद किसी ने भी नहीं कही। उल्टवासी वेद में भी थोड़ी मोड़ी है, उपनिषदों में भी थोड़ी मोड़ी है, विदेश के कवियों में भी थोड़ी मोड़ी है, लेकिन जितनी विस्तृत मात्रा में सद्गुरु कबीर ने उल्टवासी कही है किसी ने नहीं कही। आगे आगे दौ जरे, आगे आगे दावाग्नि जलती जाती है और पीछे सब हरा भरा होता जाता है। उस वृक्ष की प्रशंसा है जिसकी जड़ काट देने पर फल देता है। वेदों में आता है अग्नि की प्रशंसा में, अय अग्निदेव तुम बड़े भयंकर हो, जब तुम दौड़ते हो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, एक तरफ से जलाते जाते हो, वपन करते हो, वनों का वपन करते हो, मुंडन करते हो, सब काला काला हो जाता है। दावाग्नि लगती है सब झुलस जाता है, हरा भरा नहीं होता। साहब कहते नहीं, दावाग्नि जब जलती है तो पीछे हरा भरा हो जाता है। वृक्ष कट जाता है तब फल क्या देगा। साहब कहते वृक्ष कटने पर ही फल देता है। जर काटे ते हरी हरी सींचे ते कुमिला है, ये दूसरी सखी में साहब ने कहा। मूल कैसे शुरू, ए गुणवंती बेलरी तव गुण वर्ण न जाए, जर काटे ते हरी हरी सींचे ते कुमिलाए। ऐ गुणवंती बेलरी, ऐ गुण वाली लता, तव गुण वर्ण न जाए, तेरे गुणों का वर्णन मैं क्या करूं। जर काटे ते हरी हरी, जब जड़ काट दी जाती है तब तू हरी भरी हो जाती, और सींचे ते कुमिलाए,
सींचने सिप को मिलाने लगती है। तो आगे आगे दव जरे, ज्ञान की दावाग्नि लगती तो आगे आगे जलता है। आगे क्या है? मन, नीत खुली मन सामने खड़ा हो गया। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा, मनो पुब्ब गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततोनम दुख मनवेत चक्कम वा बहतौ पदम। मनो पुब्ब गमा धम्मा, सभी धर्मों में सभी कर्मों में मन पूर्वगामी आगे आगे चलता। मनो सेठा, मन श्रेष्ठ, मनोमया, सारे कर्म मनोमय, मनुष्य जो कुछ भी करता है मनोमय, मन से उत्पन्न होता है सारा कर्म। मनसा चे प्रदुष्टे न, मन से जो प्रदुष्ट भावना रखकर, बुरी भावना रखकर, भासति वा करोति वा बोलता है वो काम करता है, ततो नम दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख वैसे चलते हैं, चक्कम वा वहतो पदम, जैसे बैलगाड़ी में जुड़े जानवरों के पैरों के पीछे चक्के चलते हैं। लेकिन मनसा चे प्रसन्न भासति वा करोति वा ततो सुख मनवे छाया वा न पाइनी, जो मन से प्रसन्न होकर के बोलता और काम करता है उसके पीछे पीछे अनपायनी सुख चलता है। अनपायनी का मतलब अच्छा स्थिर सुख चलता है। कैसे चलता है? छाया, जिसे मनुष्य के पीछे छाया चलती, तो मन आगे आगे है, सबके आगे मन है। और उसी मन को लोग ठीक नहीं रखते, जो मन सब समय आगे है उसी को सब कंटका कीर्ण बनाए रखते, गंदा बनाए रखते, तो सुखी कैसे हो? आगे आगे दौजर है, ज्ञान की आग मन में लग गई और मन का वन जल गया। तथागत बुद्ध ने भी कहा, वनम छिद्दन मारुक्कम, वन को काटो, जंगल को न, पेड़ को न काटो। ये भी थोड़ा उल्टवासी का पुट है। वन है तृष्णा, उसको काटो। ये बाहर के पेड़ों को हरा भरा दृश्य रखता है, क्यों काटते? ज्ञान की आग मन में लगी, मन का सारा कूड़ा कचरा जल गया। पाछे हरियर हो, पीछे पीछे मन हरा भरा हो। ज्ञान की दावाग्नि जिनके चित्त में लगी रहती है उनके चित्त में नंदन वन खिलता। ज्ञान की आग लगना क्या है? सब कुछ काल निरंतर जला रहा, सारी निर्मित वस्तुएं काल की आग में भस्म हो रही, कुछ रहने वाला किसी का नहीं, किसी का आज तक रहा नहीं, किसी का रहने वाला नहीं, किसी का रहेगा नहीं। हम जहां मोह करते हैं अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में करते हैं, और द्वेष
प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में करते, ये दोनों गले की फांसी बनती। मोह करते हैं तो मन में अटका रहता है और द्वेष करते हैं तो वो अटका रहता है। इसलिए मोह और द्वेष न करो। सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम मुदिता करुणा मैत्री उपेक्षाणाम चित्त प्रसादनाथ, ये योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय के प्रति मुदिता करुणा मैत्री उपेक्षा करने से चित्त प्रसाद होता है, चित्त निर्मल होता है। सुख और दुख, यहाँ सुख दुख भाववाचक है, सुख दुख पुण्यापुण्य, सुख दुख पुण्य पाप, ये भाववाचक है। लेकिन व्यक्तिवाचक के तरफ संकेत है, क्योंकि आगे है मुदिता करुणा मैत्री उपेक्षा, अर्थ है सुखी और दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा के प्रति प्रसन्नता करुणा मैत्री और उपेक्षा का भाव रखने से मन निर्मल होता है। एकदम वैज्ञानिक बात। सुखी लोगों को देख करके प्रसन्न होने पर ईर्ष्या नहीं होती, हमसे अधिक धन, हमसे अधिक बल, हमसे अधिक मकान, हमसे अधिक जमीन, हमारे जो कुछ है वो सबसे ज्यादा किसी के पास है, तो उसको देख करके प्रसन्न होना। जब हम प्रसन्न होते हैं हमारा मन निर्मल होता है। और दुखी हैं लोग, अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तो उनके प्रति करुणा, जो बन सके सेवा करें, घृणा न करें, करुणा। और पुण्यात्माओं को देख करके उनसे मैत्री, पुण्यात्माओं से मैत्री करने से अपने में भी पुण्य के भाव आते। और जो ठीक ठाक नहीं है और संभलने की उनकी कोई संभावना नहीं है, तो उनके प्रति उपेक्षा, उपेक्षा के प्रति, उपेक्षा का अर्थ घृणा नहीं, उपेक्षा का अर्थ है लापरवाही। ये भाव रखने से मन निर्मल होता है। सुखियों को देख करके प्रसन्न हो, दुखियों को देख करके करुणा करो, पुण्यात्माओं को देख करके उनसे मैत्री करो। इसीलिए संतों से मैत्री करने की बात कही गई। और जो ठीक ठाक नहीं है और उनको आप रास्ते पर भी नहीं ला सकते, तो उनके प्रति उदास हो जाओ, न मोह करो न बैर, तो मन निर्मल रहे। अगर कहीं बैर किए तो फिर बंध गए, उनका अशुभ देखे तो बंध गए, उनका नुकसान हो गया तो मन में सुख आया और उनको फायदा हुआ तो दुख आया, तो फिर बंध गए। वे सुखी रहे, प्रसन्न रहे, हित कामना सज्जन के मन में सब के लिए होती है। लेकिन जिनको आप सुधार नहीं सकते, संभाल नहीं सकते और समझा नहीं सकते, मन में उलझोगे तो दुखी हो जाओ, इसलिए उनसे उदास हो। सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम मुदिता करुणा मैत्री उपेक्षाणाम
चित्त प्रसाद प्रसादनाथ। सुखियों को देख करके प्रसन्न होना, दुखियों को देख करके करुणा करना, पुण्यात्माओं से मैत्री करना, ऊटपटांग लोगों से उदास रहना, ये दृष्टि जब हो जाती है तो चित्त निर्मल रहता है। आगे आगे दो जरे पाछे हरियर हो। मन में दावाग्नि ज्ञान की लगी, अब आगे आगे सारा विकार भस्म होता जा रहा है, सारा मन का मैल समाप्त होता जा रहा है, तो पीछे चित्त में नंदन खिलता है, आनंद आनंद। बलिहारी ते वृक्ष की जर काटे फल हो। साहब कहते उस वृक्ष की प्रशंसा है जिसकी जड़ काट देने पर फल होता है। ये हमारे मन की जड़ राग में, राग को तृष्णा को जो काट देता है उसका मन अर्थ धर्म काम मोक्ष फल देता है। चार पुरुषार्थ की अवधारणा भारतवर्ष में बहुत पुरानी है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। वस्तुतः काम और मोक्ष ये दोनों फल है, पुरुषार्थ है। उसके साधन है अर्थ और धर्म, लेकिन चारों को पुरुषार्थ या फल कहा गया। अर्थ काम का साधक है और धर्म मोक्ष का साधक है। अर्थ कहते हैं सांसारिक वस्तुओं को, काम कहते हैं कामना को, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं की जरूरत होती है, अर्थ से काम पूरा होता है। और धर्म कहते हैं आत्मसंयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव। आत्मसंयम और शील का बर्ताव करने से मोक्ष फल फलता है। जो अपने पर संयम रखता है और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करता है उसके जीवन में मोक्ष का फल फलता है। मन की जड़ जो राग में है उसको काट देने पर मन हरा भरा हो और उसमें फल लगते। राग कहाँ होता? निर्मित वस्तुओं में। राग की भूमि में मन की तृष्णा की जड़ जमी, इसको काट दे तब ये फल मिलने वाला है। निर्मित वस्तुओं में ही हमारा मोह होता है, शरीर मकान व्यक्तियों की देहें, सारा दृश्य जो निर्मित है उसमें जहां जहां अनुकूलता लगती है मोह होता है। और वही गले की फांसी, और कुछ रहने वाला नहीं, कुछ भी किसी का रहने वाला नहीं, बाबों दादों परपाजों का पता नहीं चलता, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती, वो थाती भी थोड़े दिन रह जाती है। बड़े बड़े सेठों का धन उड़ गया, बड़े बड़े रजवाड़ों का शासन उड़ गया, सिकंदर कहाँ, चंगेज खां कहाँ, औरंगजेब कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ, राम कृष्ण कहाँ, यदपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागत उत्तर कोशला, इत विचिंत मना कुरसु स्थिरम नस्देदम जगत तेवधारे
यद्वत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया, तुम अपने पर विचारो, तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हें क्या करना है। मैं सन 1957 से लेकर 75 तक काशी में लंबा लंबा निवास किया, प्रकाशन विश्वेश्वर प्रेस के ऊपरी तल पर बाबू वैद्यनाथ प्रसाद बुकसेलर ने बनवाया था, नीचे प्रेस और बीच में बड़े बड़े कमरे बरामदे और उसके ऊपर बहुत बड़ा कमरा बरामदा, भोजनालय, आंगन, बाथरूम, बहुत प्रशस्त। वहाँ 4 महीने, 6 महीने, 8-8 महीने तक रहता था। दक्षिण तरफ चौक, उत्तर तरफ मैदागिन और गंगा थोड़ी दूर घूमना फिरना भी समय से होता था। 75 में छोड़ा और गत वर्ष जब एक कार्यक्रम में मैं बनारस गया तो ये हुआ, दूसरे दिन भ्रमण सारनाथ गया बौद्धों के अवशेष में, फिर लौटा तो ये हुआ जिस प्रेस पर रहते थे देख लिया जाए, सुना था बिक गया। मैं समझता था उसमें कुछ दीवार बना बना करके कुछ और ढंग से लोग बनाए हुए, साथियों की भी उत्सुकता थी, आप जहाँ रहते थे दिखा दीजिए। कन्हैया अलंकार मंदिर सामने एक सेठ थे, जेवरों की दुकान कन्हैया अलंकार मंदिर, उसी के सामने प्रेस था। कन्हैया अलंकार मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी की गई, सामने देखा गया तो मकान का वो चेहरा नहीं। मैंने पूछा एक आदमी से, विशेषर प्रेस यही था क्या? उसने कहा, महाराज मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। इतने में एक थोड़ा बुजुर्ग था, वो खड़ा था, हाँ हाँ महाराज यही है। तो मैंने कहा है, वो तो नहीं दिखता। कहे महाराज तोड़ के दूसरे ढंग से बन गया, उन्होंने बेच दिया। क्या ऊपर तक मुझे दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं। शायद 4 तल्ले का बना, वो 3 तल्ले का था और सब दुकान दुकान ऊपर से नीचे तक ले गए, कुछ उसमें चिन्ह नहीं, नींव खोद करके पूरा गिरा दिया गया था, सब आमूल चूल परिवर्तन। वहां मैं बैठ करके रोता, हाय विश्वेश्वर प्रेत, जिस विशाल कक्ष में मैं रहता था, जिस आंगन में शाम को लेटता था, हाय वो कहाँ गया, मिलता। एक राजा की रानी जब मरी तो राजा व्याकुल हो, शमशान में जब दाह के लिए लोग ले गए तो राजा को कई लोग पकड़े रहे, कह छोड़ो मैं रानी के साथ चल जाऊंगा, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी। चिता रोपी गई, लाश रखनी थी, राजा भी दौड़ करके उस पर बैठना चाहता था, सब लोग पकड़े थे, हाय मेरी रानी, मैं रानी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक महात्मा आ गए, हाथ में हंडी लिए थे, वो हंडी से अपना उपयोग करते थे पानी वानी का, राजा के सामने पहुंचे और संत के हाथ से हंडी गिर गई, टूट गई, संत गिरे उस पर, हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी, अब मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। हंडी का ठीकरा सीने में चिपका के फूट फूट के रोने लगे, हाय मेरी हंडी।
राजा अपना मोह भूल गया, उनको देखा कहा महाराज संत होकर के इतने घोर अविवेकी, अरे हंडी मिट्टी का टुकड़ा, हजारों हंडियां मंगा दे, क्यों इसके लिए रोते हो? नहीं नहीं राजन, उस हंडी ने मेरे गुप्त प्रकट सभी अंगों को देखा था, और उसी हंडी के साथ मैं चला जाऊंगा, हाय मेरी हंडी, मैं नहीं रह जाऊंगा, हाय मेरी हंडी। राजा ने कहा हद हो गई, इतनी तुच्छ हंडी पर तुम रो रहे हो। महात्मा ने कहा राजन, अरे रानी मर गई, दूसरी रानी आ सकती है, सुंदरी से सुंदरी स्त्री आ सकती है, और उसके लिए आप मर रहे हो तो हम हंडी के लिए मर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? राजा की आंखें खुल गई, संत ने तो नाटक किया था हंडी गिराकर, वह हंडी के लिए रोते नहीं, राजा को उन्हें जगाना था। सब कुछ ऐसे, किसके लिए रो रहे हो? क्या बिछुड़ गया? आपका कुछ है ही नहीं, बिछुड़ा क्या? आपने जबरदस्ती अपना माना तो दुखी हो। किसने कहा आप मानो? साहब ने कहा मैं भावरा तुह बरजिया, बन बन बास नले उड़जेगा कहीं बेली ते, तड़फ तड़फ जिए दे। अरे भावरा, मैंने तेरे को बारंबार रोका, बन बन बास न ले, ये वनों में सुगंधी न ले, ये चकर मकर में न भूल, नहीं तो किसी बेल में तो उलझेगा और तड़प तड़प करके जान देगा। तंबाकू खा रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसके पीछे छोड़ नहीं पा, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अपने इंद्रियों को उत्तेजित करने की आदत बना ली है स्वयं, और अपनी शक्ति छीण छीण करके नष्ट हो रहे, छोड़ नहीं पा रहे। एक लेक्चरर जब एक बाजार में मेरा प्रवचन सुना, आज से 35 वर्ष पूर्व, नौजवान था, तो मेरे पीछे लग गया, पास पास में कार्यक्रम था वहां भी पहुंच जाए, निकट बैठने लगा। एक दिन कहा एकांत में, महाराज मुझे कोई काली देव चाटे मारे मैं सुधर जा। मैंने कहा बेटा क्या गड़बड़ है? तो बताया उसे अपनी शक्ति छीण करने की आदत पड़ी थी। मैंने कहा आप तुम्हें गाली दूं मैं और मारूं तो नकल हो जाएगा, क्योंकि तुमने कहा स्वाभाविक गाली दे, स्वाभाविक मारे तो उसका मतलब है, तो गाली मार मैं देता भी नहीं, मैं तो राय देता। समझाया, फिर काफी निकट हो गया। हाँ, लेकिन इतना अस्तर उसका खराब हो गया था कि वो निरंतर गिरता गया, रोग बढ़ता गया, रोग हो गया। वो आदत तो शायद उसने छोड़ दी, लेकिन इस ऐसे अस्तर पर शरीर पहुंच गया था कि भयंकर रोग से ग्रसित हो गया, ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक लगता था। वर्षों चलता रहा रोग में, और कॉलेज भी जाता रहा। एक बार मैं उसी मार्ग से निकल रहा था, उसने पता पाया तो मुझे संदेश दिलाया, महाराज हमारे दरवाजे से होके आ, वो ज्यादा चल नहीं सकता था। गया, खड़ा हुआ, मिला, कहा साहब अब मैं थोड़े दिन का मेहमान। उस समय वो 50 का हो गया हो, फिर मर गया। मरना तो सब, लेकिन मरने मरने में अंतर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चट चला एक बदा जंजीर, जितने आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर सिंहासन पर बैठ के जाते हैं कि जंजीर में बंध के जाते हैं, ये फर्क है। सिंहासन है मन की निर्मलता, जंजीर में बंध के जाना है तृष्णा मोह पीड़ा में बंध के जाना, जल जल के मन।
शरीर तो सबको छोड़ना, और शरीर रख के फायदा क्या है? शरीर बुढ़ाता जाए और ये जीवित रहे, दुर्गत की सेवा क्या है? काम कर लो, छोड़ो, आगे बढ़ो। गत बरस जब मैं कलकत्ता में था, न्यू अलीपुर से अलीपुर, अलीपुर से धर्मतलक मैदान, न्यू अलीपुर में प्रेम प्रकाश का मकान, वहीं रहना होता है। प्रेम प्रकाश और हम सब लोग चले अलीपुर, पेट्रोल टंकी पर तेल भराना हो। बड़ा अद्भुत व्यक्ति था तेल भरने वाला, मुझे देखा वो नाच उठा कि महाराज ये रंगमंच है दुनिया, नाटक करे उतरे मंच से चले, यहाँ मोह करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया बात। वो ज्ञान की बात कहता रहा, तेल भरता रहा, ज्ञान की बात कहता रहा। ये रंग मंच है संसार, यहां से इस मंच से उतर के चल देना, रम जाते हैं यही दुख है। वेद के ऋषि ने कहा हेण मैन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखम तत्त्वं भूषण पावण सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है। हिरणमयन पात्रेण, हिरणमय पात्र से, सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से, हिरण नहीं है हिरणमय, प्रयोग बड़ा सुंदर है, समझ बूझ कर लगता है। हिरण नाम सोना, हिरणमय नाम जो हिरण के समान, सोने के समान लगे और सोना न रहे। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। देखने में सोना लगता है लेकिन सारा संसार कांच है। तो ऋषि कहते हिरणमयन पात्रेण, हिरणमय बर्तन से, सोने के समान चमकते हुए बर्तन से, सत्यस्यापितं मुखम, सत्यस्य सत्य का अपहित ढका है मुखम मुख, सोने जैसे दिखते हुए चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है। तत्त्वं भूषण पावरण, तत्त्वं भूषण अपावरण, तत् उसे उस बर्तन को, तम तु पूषण, पूषण कहते हैं जो सबका पोषण करे, सूरज सबका पोषण करता है, इसलिए सूरज को वेद में राधापत कहते हैं। तो कृष्ण भक्त और राधा भक्त कहते देखो वेद में राधा भक्ति, राधापति कृष्ण की चर्चा, लेकिन वेद के अनुसार राधा का अर्थ है धन, औपति का अर्थ है धन का स्वामी, धन का स्वामी है सूर्य। सूर्य पानी को सोख करके अपनी किरणों से आकाश में ले जाता है और वहां से बरसाता है तो पूरी पृथ्वी गर्भवती होती है और फल फूल रत्न सब कुछ पैदा होता है। इसलिए राधापति सूर्य पूषण है, वो सबका पोषक है। लेकिन इस शरीर में पोषण कौन है? आत्मा। ज्ञान विज्ञान का पोषक ये आत्मा। तत्त्वं पूषण, तत्त्वं उसे तू अय पूषण, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा, अपावरण हटा दे, उस चमक तमक के बर्तन को हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए। जब तक तू बर्तन को न हटाएगा सत्य और धर्म दिखेगा नहीं। सत्य आत्मा और धर्म शुभाचार, आत्मा का बोध न होगा और शुभाचार से चल नहीं पाएगा जब तक तू चमक दमक को न हटाएगा। चमक दमक में जो भूला दुख पाया,
युधिष्ठिर और दुर्योधन से जुआ का खेल हुआ और जुआ में युधिष्ठिर सब हार गए, तो द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाके रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मैं सब लौटाए देता हूं। युधिष्ठिर छुट्टी पर आगे चल दी, दुर्योधन सुना, उसके ऊपर तो वज्रपात हो गया। आकर के कहा, पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, मामा शकुन के आधार में छल छद्म करके मैंने सब जीता था उनको, अब आप सब दे दिए, फिर बुलाइए हम फिर जुआ खेलें, अब अब की बार ऐसा न कीजिए। हरकारा गया, कहा कि राजन फिर धृतराष्ट्र तुम्हें बुला रहे हैं खेलने के लिए जुआ, लौट पड़े। कोई शर्त नहीं थी कि लौटे, लेकिन महाजुआड़ी युधिष्ठिर, जुआ का नाम सुनते ही उनका मन विचलित हो जाता। वेद में जुआ का जहां वर्णन है, तहां जुआड़ी कहता है, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी फटी हालत में, मेरी मां रो रही है और मैं दुखी हूं, मैं समझता हूं जुआ मुझे मेरा विनाश करता है, लेकिन जब लाल पीले जुआ की गोटियां चलती हैं तब मेरा मन नहीं मानता, फिर वहीं पहुंच जाता। जुआ का वर्णन ऋग्वेद में बहुत सुंदर है और उसका खस्ता हाल बताया। अवंत में ऋषि ने कहा है कि तू खेती कर, खेती से तुम्हें स्त्री गौ सब मिल जाए। तो युधिष्ठिर महाजुआड़ी लौट पड़े, तब वेदव्यास ने कहा, युधिष्ठिर के मोह को देखकर उन्हें राम की याद आई, तब उन्होंने कहा, असंभवे हे ममेष जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवानां धियो विपर्यस्त पराभवत्। असंभवे हे ममेष जंतोस, हे ममेष जंतु होना, सोने का बना प्राणी होना, ये असंभव, सोने का प्राणी नहीं होता, प्राणी का शरीर हण मांस का होता है, सोने के धातु से किसी का शरीर बना हो यह असंभव। असंभवे हे ममेष जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय, इतने पर भी राम जैसे विवेकी पुरुष, सोने जैसे दिखते हुए मृग पर लोभित हो गए। प्रायः समासन्न पराभवानां धियो विपर्यस्त पराभवत्। प्रायः अधिकतर समासन्न निकट, पराभव विनाश, अधिकतर जब विनाश निकट आता है, धियो विपर्यस्त पराभवत्, बुद्धि बदल जाती। मेरे एक साधक ने पूछा ये विचार एक बार सुनकर कि बुद्धि बदलती है तब पतन होता है कि पतन का दिन आता है तब बुद्धि बदलती है। इसमें आता है प्रायः समासन्न पराभवानां धियो विपर्यस्त पराभवत्, जब विनाश का दिन आता है तब बुद्धि बदलती है। ऐसा मैंने कहा, बुद्धि बदलती है तब विनाश होता है, लेकिन कथन पर जोर डालने के लिए कहा गया कि जब विनाश निकट आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो विनाश नहीं। शरीर का विनाश तो अवस्था के अनुसार होगा, उसकी चिंता नहीं। विनाश का मतलब है मन का, वाणी का, इंद्रियों का पतन, मन का मलिन हो जाना और वाणी की अव्यवस्था हो जाना, कट कहना, गुस्सा में कहना, अश्लील कहना, असत्य कहना और इंद्रियों का दुराचार, मन का पतन, वाणी का पतन, कर्मों का पतन, ये पतन है। जब बुद्धि खराब होती है तब ऐसा हो जाता है।
चमक दमक क्षणिक, जिसमें हमारा चित्त आकर्षित होता है वो बहुत क्षणिक। अपने जीवन में जहां जहां मैं आकर्षित हुआ, क्या आज उसमें आकर्षित होऊंगा? अपने बालकपन में, अपनी जवानी की शुरुआत में जिन मित्रों में मेरा आकर्षण था, क्या आज वैसे आकर्षण है? जिन चीजों में बचपना में आकर्षण था, गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए मानो अमृत, आज बर्फी भी रख दो तो आकर्षण नहीं होता है। ज्ञान की दृष्टि से छोड़ो, अवस्था की दृष्टि से भी अंतर हो जाता है। जो पत्नी प्रथम मिलन में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, क्या आगे चल करके वैसे होते? शुरुआत में पत्नी को, पति को पत्नी स्वर्ग लगते हैं और थोड़े दिन में नरक लगने लगते, घृणा द्वेष कलह तलाक तक होता है। मिठाई खाने लगो बहुत प्यारी, और ज्यादा खाने लगो तो खराब लगे, जबरदस्ती कोई खिलाना चाहे तो और बहुत खराब। सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, किसमें मौत है? सोने जैसे दिखते हुए मृग में मोहित हो करके राम और सीता, सीता मोहित हुई और राम से कही इसको लाओ चाहे जीते चाहे मार कर। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, धोखा। राम ने कहा नहीं, सीता का बहुत मन है, लाना है। सीता राम दोनों भावुक हो गए, तो फल क्या हुआ? कुछ ही क्षण के बाद राम बन बन रोते रहे, सीते सीते कहाँ हो, रोते रहे। और सीता रावण के अंक में पड़ी रोती रही। तत्काल फल, जहां आप मोह किए पतित हुए। लोग कहते हैं धर्म विश्वास, विश्वास तो हर जगह करने की जरूरत है। सत्य में विश्वास न करो तो सत्य काम नहीं देगा। धर्म विज्ञान है, गणित। धर्म कहता है दुख से रहित हो जाओ। दुख से रहित कब होगा? जब पर में मोह नहीं करो, स्व में लौट आओ। पर और स्व, स्व और पर, अध्ययन के दो विषय, स्व पर। स्व खुद और पर विजात, दृश्य जगत जड़ जगत। पर का मोह छोड़ दो, स्व में लीन हो जाओ तो दुख रहित हो जाओ। ये धर्म कहता है। जितना मोह होगा उतना दुख होगा, जितनी मात्रा में मोह होगा उतनी मात्रा में दुख होगा, जितनी मात्रा में मोह कटेगा दुख कटेगा। एक गणित है। भरत के लिए कहानी आती है, राजा भरत विरक्त हो गए, वन में रहते थे झोपड़ी बनाकर, स्नान करने गए नदी में, एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही, सिंह तड़पा कहीं, वो भयभीत होके भगी और बच्चा गर्भ प्रसव हो गया और वहीं गिर गया, हिरनी भाग गई। उस बच्चे को भरत ने उठा लिया, धो पोछ के आश्रम में लाया, पाला। अब इतना पाला, इतना मोह उनका हो गया, ध्यान में बैठे तो हिरन कूद रहा है, ध्यान में ध्यान लगे ही नहीं। हिरन कहीं घूमते चला जाए, कहाँ चला गया होगा, जानवर ने उसे खा ले। हिरन के पीछे इतने लग गए महामोह, तो मरे तो हिरन हो गए, बहुत दुखी है। सूखी पत्ती खाएं,
बहुत उदास रहे, फिर जन्मे तो थोड़े छुटपन से ही विरक्त हो गए। उनके पिता पढ़ाना चाहे नहीं पढ़े, कि पढ़ेंगे चतुरता आएगी झंझट अवधूत, फिर वो जड़भरत काल है। ये कहानी है, मर के कौन बताता है कि हम वहाँ रहे। वैसे आजकल पुनर्जन्म की याद लोग बताते हैं होती है, किसी को होती हो हमारा सिद्धांत उसमें पुष्टि ही होगा, मुझे नहीं, मेरा अनुभव नहीं है पूर्व जन्म का। मेरा सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म माने बिना चैतन्य सृष्टि का समाधान नहीं, पुनर्जन्म तो हो ही रहा है। अरबों अरबों देहधारी क्षण क्षण शरीर धरते और छोड़ते, तो पुनर्जन्म तो हो ही रहा है, सत्ता ही में तो पुनर्जन्म होता है। ठीक से समझ ले, पुनर्जन्म समझ में आ जाए, और किसी न किसी प्रकार विश्वास सब करते। आइंस्टीन मरते समय कहे, जो अभी अभी का वैज्ञानिक हम लोगों के जीवन काल का, कि अगर मैं फिर जन्म धारण करूं तो मैं यही चाहूंगा, मैं वैज्ञानिक न बनूं, साधारण आदमी बनूं, महाझंझट। तो जड़ भरत उदास रहते थे, बोलते नहीं थे, बोलूंगा प्रेम बढ़ेगा। ये कहानी आती है, मोह करोगे तकलीफ होगी, मोह न करो। जिनके लिए जिम्मेदारी है उनकी सेवा करो, जिनके लिए जिम्मेदारी नहीं है वहां भी जब संजोग पड़े किसी दुख देखो, जो बन सके सेवा कर दो, अच्छा है। अंततः तो अपना पराया कोई नहीं है, लेकिन जीवन काल में अपना पराया कुछ मानना पड़ता है और व्यवहार वैसा करना पड़ता है। तो जहां जिम्मेदारी है सेवा कर दो, मोह न करो। मोह करोगे तकलीफ होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। जीव का जीव के अलावा कुछ नहीं, सारा संबंध दिखावा और नकली। तन पिजड़ा नाई है काम, पंछी उड़ जाए काहे गर्व करे नर मूर्ख। यह सब दुनिया फानी है, बिनस जाए सपने की माया जो अंजुल का पानी। अंजुल में पानी लो, कितना कस के दबाए रहो गुलियों को, सिकंडों में बाह के साथ चला जाए। चाहे जितनी मजबूती से पकड़ने का हट करो, कुछ रहने वाला नहीं। अपने को पकड़ो जो कभी छुट नहीं सकता। अविद्या यही कि छुटने वाली वस्तुओं में हम चिपकते, और नहीं छूटने वाली वस्तु में हम प्रेम नहीं करते। नीत में लिखा है कि जो अनिश्चित को पकड़ता है और निश्चित को छोड़ता है वो धोखा खाता है। अनिश्चित तो अपने आप छूट जाने वाला है, और निश्चित को स्वयं छोड़ दिया। आत्मा का विस्मरण हमने स्वयं कर दिया, अवनात्मा तो छुटने। शरीर से लेके चारों तरफ का जितना दृश्य है सब अनात्म है, अनित्य है, असुख है, अपवित्र है, और उसी में हम आत्मा नित्यत्व सुखत्व और अमृतता का भ्रम करते हैं। यही दुख है। नाम जप मंत्र जप पूजा पाठ ये सब भी इसीलिए कि चित्त निर्मल, और निर्मल चित्त द्वारा बंधन को काटो। अगर बंधन नहीं काटा गया तो औपचारिक पूजा पाठ करते करते जिंदगी बीत जाएगी। पूजा पाठ करते समय थोड़ा सात्विक मनोरंजन होगा, लेकिन जहाँ के तहाँ रहा,
एक पंडित जी जो जीवन भर पार्थिव पूजे और राम 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 हर समय कहते थे, और मानस के तो काग भूषण ही अब अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, उत्तेजना में नहीं पड़ते, कोई गाली दे तो भी उत्तेजना नहीं करते, बहुत अच्छे आदमी, स्वभाव से अच्छे थे, लेकिन जो काम करना चाहिए नहीं किए, पूजा पाठ में रहा, केवल अवतारवाद देववाद में रहा। मुझसे कहे महाराज, रतिया में हमें भूतवा सतावत है, हमके भूत नाम की चीज नहीं होती। कह नहीं, शास्त्र में लिखा है, हमके जो सब लिखा वो सच नहीं, बोध न होने से श्रम सफल नहीं होता, बोध होना चाहिए। विवेक प्रकाश टीका प्रथम संस्करण छप के उनके पास गई, पढ़े, उसके कुछ दिन बाद जब मुलाकात हुई, मैंने कहा कैसे लगा, कहे अच्छा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर और राम कृष्ण के कहीं चर्चा नहीं वहां है। हमके चर्चा है भी, लेकिन दूसरे ढंग से, चर्चा अपनी करो, वो सब महापुरुष आदरणीय है, उसमें अपनी चर्चा है। यहाँ ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन कहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर के महिमा ना है। योग्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, पात्रता उनकी बड़ी अच्छी, लेकिन बोध नहीं प्राप्त किया। जानते थे, मानस में भी आता है, कर्म के हो स्वरूप ही चीने, निज सुख बिन मन होई कि थीरा। एक बार उनके यहां मैं था, ध्यान में बैठा था, ध्यान के बाद जब उठा तो कहे महाराज, स्वरूपवा को देखते हैं। मैंने कहा स्वरूप देखा नहीं जाता, स्वरूप सबको देखता, स्वरूप निज रूप। योगश्चित वृत्ति निरोधः, पतंजलि महाराज ने कहा योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाए, यही योग है। तब क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाते हैं। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो गई तब दृष्टा अपने आप में शांत, और जहां देखे तो वृत्ति देख रहे हैं, लाल पीला उजला कुछ देखे तो मनोवृत्ति। पुराने जमाने से ब्रह्म है कि ज्योति नाद बिंदु का जो ध्यान करते तो वही ब्रह्म है। उपनिषद में बात आई कि उस समय पीला काला नीला दिखता है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। नहीं, वो आत्मा नहीं, खंडन किया गया। वो तो मन ठहराने की एक तरीका है, सारा दृश्य जड़, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो मैंने उनका उदाहरण दिया, वे योग्य थे लेकिन स्वरूप बोध नहीं, साधना नहीं, सगुण उपासना में जीवन बिता दिया। इसलिए कबीर साहब ने व्यंग किया, कोई राम रसिक रस पियोगे जुग जियो, फल अलंकृत बीज नहीं बकला सुप पंछी तारस खाई, चुए न बुंद अंग नहीं भीजे दास भौर सब संग लाई, निगम रसाल चार फल लागे तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन काह बिरले पाई, गए बसंत ग्रीष्म ऋतुआई बहुर न तरिवर तर आवे, काहे कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन हुए सो पावे। तो कोई राम रसिक है, राम रस पिएगा, पिएगा तो जो अंजुक जिए, वो फल अलंकृत है, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, वो फल अलंकृत शोभायमान, उसमें बीज और छिलके नहीं है, पूरा का पूरा अमृत है। सुख पंछी तहाँ रस खाई, सुख पक्षी उसका रस खाते हैं, चुएन बुंद अंग नहीं बीजे दास भौर सब संगलाई, लेकिन ये भौरे दास भौरे
उस फल के चारों तरफ मड़राते रहते हैं, न एक बूंद उसकी रस उस रस की एक बूंद उनके ऊपर गिरती है, न वे भीगते। तो शुक पक्षी साधक है राम रस आत्मरस, आत्मा के अनुभव का रस ये शुक पक्षी खाते हैं। जैसे फल का रस सुख खाता है पक्षी, भावरा ने भावरा भनभनाता रहता है, वो क्या खाएगा? साधक स्वरूप ज्ञानी साधक आत्मरस का अनुभव करता है। भक्त भावरे करकंज पद कंजारुणम, ऐसे भगवान की उपासना जिस करते हैं जिसके हाथ पैर बड़े कोमल हैं, तो अच्छा भावुकतम पड़ा रहे, लेकिन रामरस न पाए। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भवर सब संग लाई। ये दास भावरे जिंदगी भर राम राम कहते रह गए, भनभनाते रह गए, रामरस की छीट न पड़े, क्योंकि रामरस वे किसी करकंज पद कंजारुणम में पाना चाहते। कोई ऐसा भगवान आए जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हों कमल के समान, पूरा शरीर कमल के समान खिला हो, ऐसे सुंदर युवक युवती तो आपके गांव में घर में मिल जाएंगे, क्या होगा उसे? कबीर साहब ने कहा, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूर्व वास से पातला ऐसो तत्व अनु। उसमें मुख माथा नहीं है, रूप कुरूप नहीं है, करकंज पद कंजारणम का कोई गुंजाइश नहीं, पूर्ववास से पातला पुष्प की सुगंधि से भी सूक्ष्म ऐसो तत्व अनु, अशब्दम मगंधम अरूपम स्पर्शम। ये श्रुत वचन वो शब्द गंध रस रूप स्पर्श से परे, वो तो दृष्टा मंता बोधा साक्षी चैतन्य, वो आप, आपके अलावा नहीं। ओ का मतलब अन्य पुरुष नहीं, स्वयं यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्त भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं। भूमा क्या है? यत्र नानक पश्यत नानक श्रणो नानक विजानात, सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा। देखना सुनना जानना छोड़ दो, अपने में सिमट आओ। समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए, काहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले फिर अनाड़ी बन जाए, और सारा अभिमान छोड़ कर के विनम्र बन जाए। ऐसे साधक का कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। तो आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर हो, ज्ञान की दावागी मन में लग गई और चल करके मन का विकार राख हो गया। पीछे नंदन वन खिल गया, दुर्गुण नष्ट हो गए, मन आनंदित हो गया। ये मन रूपी वृक्ष की प्रशंसा है, जब इसकी जड़ कट जाती है राग से, तो यह धर्म का मोक्ष फल देता है। इसलिए हम सबका काम है अपने स्वरूप को पहचाने, निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य। आप चैतन्य हैं, आपके अलावा आपका कुछ नहीं है, अपने में लौटें। इसके लिए विस्तार पूर्वक संतों से सत्संग करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, आचरण करें।